प्रतापगढ़ से है, जहां कोहडोर कोतवाली के अंतर्गत एक व्यक्ति से लूटपाट की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल भेजना जरूरी नहीं समझा और पूछताछ करने में जुटी रही, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेंद्र वर्मा घर बनवा रहा था, जिसके लिए मुजफ्फरपुर से पैसा निकालकर वापस घर जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आए बदमाश उसका पैसा छीनने लगे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने राजेंद्र के सिर पर वार कर दिया। पुलिस पीड़ित से पूछताछ में जुटी रही। थाने से निकलते समय हालत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद पीड़ित ने दम तोड़ दिया। पुलिस इस घटना को शराब के नशे में लेन देन को लेकर झगड़े में बाइक से गिरना बता रही है, जबकि मरने से पहले राजेंद्र ने 25,000 की लूट की बात पूछताछ में बताई थी। ये गए थे मुजफ्फरपुर बाजार, वहाँ से लौट रहे थे, उनके जेब में कुछ पैसे थे, 25,000 करीब। हाँ, इनके घर बन रहा था, उसी काम से थे पैसे। तो फिर ये लौट रहे थे, पैदल आ रहे थे पेट्रोल टंक की तरफ, फिर बाइक से आए आए मतलब पीछे से, उनको फिर वहीं घूम मारे, पैसे उसे छीन लिए, मारे, उसके बाद फिर वहीं सड़क के किनारे फेंक दिए। तो फिर कोई बाद में मेरा दोस्त देखा, मेरे पास फोन किया कि तुम्हारे भाई पैसे हो गया। फिर लेके आए, लेके आने के बाद फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ लिखाया लिखाया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या। फिर बोले कि जैसे रिपोर्ट वोट नहीं निकालते, हमको नहीं पता चले। फिर कोडाउन थाने में जाना पड़ा, क्योंकि वो जहाँ थका हुआ था वो कोडाउन थाना पड़ता है। तो वहाँ गए, वहाँ सब जेब में हाथ डाल बैठे, बस पता नहीं क्या खाने में निकली है, कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद मरे कहाँ हैं? तो वही जैसे वहाँ से रिपोर्ट लिखवा निकले, हम सांस फूलने लगी, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते। प्रथम दृष्टया में बता दो कि ये लूट की घटना नहीं है। राजेंद्र प्रसाद वर्मा, पिता का नाम रामनिवास वर्मा, निवासी मधुपुर थाना कन्हई के रहने वाले हैं। ये लोग 5-6 लोग आपस में अपना शराब वराब पीने का जानकारी प्राप्त हुआ है, और उसी मध्य में आपस में इनका लेन देन को लेकर के विवाद हुआ है, और इसी में लड़े हैं और हाथापाई हुआ है, मुक्के से मारे हैं, गाड़ी से गिरे हैं, और ये घायल हुआ है और इसकी मृत्यु हुई है। और उसके परिवारिकजन भी आ गए हैं, उसके रिश्तेदार लोग भी आ रहे हैं, और बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि कौन कौन साथ में था और किसी किसी विवाद हुआ है, और हम तहरीर प्राप्त करके और कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे।